तो कैसे हैं दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि ऐसी मूवी पे जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है जिसका नाम है सीजीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्यु। अल्लाहु अकबर। Laki-laki bajingan, kamu akan mati seperti bayi Irma yang kamu bunuh. Dan seluruh keluargamu akan musnah. आपने भी कहीं ना कहीं इस मूवी का ट्रेलर या कोई छोटा सा क्लिप तो लाजमी देखा होगा। इस मूवी के बारे में ये बताया जाता है कि इस मूवी को देखने के बाद लोगों के साथ काफ़ी एबनॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, मतलब वो काफ़ी अपनी डिस्टर्ब रहे हैं अपनी लाइफ में इस मूवी को देखने के बाद। अब अगर देखा जाए तो इस मूवी में काले जादू के बारे में बताया गया। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इस मूवी की स्टोरी ये है कि एक लड़की होती है, वो अपने कज़न से बहुत प्यार करती है और उसको बहुत पसंद करती है, लेकिन किसी न किसी वजह से उसकी शादी उस लड़के के साथ नहीं हो पाती। तो फिर वो लड़की इंतकाम की आग में जल रही होती है और वो उस कपल पर काला जादू करवाती है ताकि वो खुश ना रहें, वो बर्बाद हो जाए। आपने भी कहीं ना कहीं अपने आसपास देखा होगा कि फलां शख्स ने फलां पे जादू करवा दिया, वो उसके कारोबार से जल रहा था। क्योंकि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, वो जो मेहनत करके अपने सारे गोल्स अचीव करते हैं और दूसरे वो जो खुद भी कुछ नहीं करते और किसी को करता हुआ देख भी नहीं सकते। और जब कोई सामने वाला उनसे आगे बढ़ता है या फिर कुछ लाइफ में अपनी अचीवमेंट्स वगैरह शो करते हैं तो ये जलसी के फैक्टर में इतना आगे चले जाते हैं कि ये उसके खिलाफ कुछ किसी भी कदम तक कुछ भी करने को चले जाते हैं और खुद कुछ नहीं करते, खुद कभी हाथ पांव नहीं मारते, लेकिन इनके दिल में एक हसद होता है। अब आपको ये बताता चलूँ, काला जादू जो ना इस दुनिया में वाकई में एग्जिस्ट करता है और ये बहुत खतरनाक अमल है। देखिए, नज़र भी कहीं ना कहीं इस फैक्टर से जुड़ा हुआ है। अब अगर देखा जाए तो नज़र, अब सुना होगा फला इंसान को फला इंसान की नज़र लग गई या उसके कारोबार पर नज़र लग गई, तो ये चीज़ें अब जो है ना इस दौर में तो नॉर्मल ही हैं। लेकिन आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो देखी होंगी जो कह रहे हैं इस मूवी को ना देखें, इस मूवी में ये चीज़ें फलां चीज़ें। अब देखें, अगर इस मूवी की कास्ट पे जाएं तो 70% कास्ट जो है ना वो मुस्लिम है, ठीक है। इस मूवी के डायरेक्टर जो हैं वो भी मुस्लिम है, इस मूवी की जो हीरोइन है वो भी मुस्लिम ही। तो जहाँ लोग ये बोल रहे हैं कि इस मूवी को देखने के बाद हमारे साथ नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, तो सोचें फिर जिन्होंने बनाई उनके साथ भी तो होनी चाहिए ना, लेकिन उनके साथ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। और कुछ लोग ये रिव्यू दे रहे हैं कि ये जस्ट एक मूवी है, जैसे लाइक द नन हो गई, द कंज्यूरिंग हो गई, इस टाइप की मूवी, हॉरर मूवी समझ सकते हैं। लेकिन आपको ये बताता चलूँ, जो ये मूवी है सीजीन, ये एक ट्रू स्टोरी की बेस पर बनाई गई है। लेकिन जब मैंने इसके खुद रिव्यूज़ देखे तो मैं भी काफ़ी कन्फ्यूज़ था कि देखूँ या ना देखूँ। तो फिर जब मैंने फैसला किया इसको देखने का, तो मैंने इसको देखने के बाद, मतलब ये एक हॉरर, मेरा वैसे खुद पर्सनली कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता हॉरर मूवीज़ में, लेकिन जब इसके इतनी कंट्रोवर्शियल चल रही थी तो मैंने सोचा इसको देख लिया जाए। और जब से मैंने ये मूवी देखी तो मेरे साथ कुछ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, मतलब मैं पानी पीने जा रहा हूँ तो मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दे दी हो, या मैं मुझे दो आंखें नजर आ रही हूँ, मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका दिल कर रहा है ये मूवी देखने का और आप किसी रिव्यू की वजह से ये मूवी देखने से डर रहे हैं, तो मेरा ये मशवरा है कि आप ये मूवी देखें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके साथ कुछ ऐसा सीन हुआ या नहीं हुआ। और बने रहिएगा शबाज़ तान के साथ। अब मुझे दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।